क्योंकि बट डॉग ही गॉट ऑलमोस्ट पॉटेड ऑफ टॉप यहाँ पे फिलहाल के लिए शॉट फायर कर रहे हैं टीम जेडी वॉरियर्स. दिस इज द टाइम विद दे रियली नीड टू मेक श्योर कि वो यहाँ पे जरूर स्टेप अप कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. जेडी वॉरियर्स के दो खिलाड़ियों को तो फिलहाल के लिए डाउन किया गया बट टीम सालवर ईस्पोर्ट्स क्या ये चीज उनको यहाँ पे रोकने पे मजबूर करेगा? बिकॉज जोन उनके अगेंस्ट पे है, पीछे उनके सेफ जोन है, वो सेफ जोन से बाहर आ रहे हैं ताकि अपने चारों किल्स को कन्फर्म करे. This is a very suicidal move, but Team Salvage Esports confident है. अगर उनको पता है कि ये Data Warriors है, तो जरूर एक बार के लिए अपना मन बदलना चाहिए, because you know what kind of firepower does this team bring to its own self. तो जाके तो मुश्किल बन जाती है. But well, Top ने Doc को देख लिया, इसको भी down किया गया. It's a 4v2 situation and Nirzer of Kings are the only two players जो आपको survive करते हुए देखने को मिल जाते हैं. अपना kill सुनिश्चित करना ये बहुत ज़्यादा important होता है. But Salvage Esports, this is actually at another level of aggression. But देखिए, ये aggression जरूर, you have to pay a price for that. And so far action is the price जो आपको यहाँ पे जरूर face करना पड़ रहा है. But nonetheless, क्या action का elimination यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा. So so far अभी तक Salvage Esports सेवर से अपना kill जो है वो सुनिश्चित करते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं. जी बिल्कुल, अभी के लिए हम मुश्किल आते हमको नजर आएगी. यहाँ पे प्लेयर इधर भी नॉक हो चुके, सामने भी यहाँ पे कह सकते हैं वो आखिरी खिलाड़ी बस तो हमको नजर आएंगे. दिक्कतें धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, लेकिन डीआरएस